अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, वीडियो का टाइटल भाई हिंदी में लिखा हुआ है और पहले भी इस भाई साहब की वीडियो की थी। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ पर खड़े हैं। वीडियो देखते हैं और अपना भी ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3 स्कूल जो है पाकिस्तान का है। अगर सिविलियन थोड़ा गलत हरकत करेगा तो फौज भी गलत करेगा। थोड़ा आगे जाएगा तो ऊपर से पत्थर मारता है हमको। कौन मारता पत्थर? पाकिस्तान। ऊपर से शेलिंग आता था, गोला गिरता था, सामने लगता था। तो आप लोग क्या मतलब जॉब वगैरह करते हो कि खेती बाड़ी? यहाँ पे यहाँ तो खेती बाड़ी करता है, जॉब भी करता है भैया। लोगों का ना गांव पाकिस्तान से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम मैं त्यापसी में हूँ। कल रात को हम लोग ना थांग जा रहे थे तो आर्मी वालों ने हमको ना परमिशन नहीं दी थांग में जाने की, तो हम लोग त्यापसी में रुक गए। एक हमने होम स्टे लिया था उसी में हम रुके और अभी हम लोग जा रहे हैं त्यापसी के लिए। निकल रहे, खाना वाना खा लिया, खुद ही कुक किया था। आपको आज लेके चलेंगे त्यापसी गाँव में, दिखाएंगे त्यापसी के लोग कैसे है, क्या उनका कल्चर है, किस तरह के लोग होते हैं, फ्रेंडली है कि नहीं है, और त्यापसी क्यों खास है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलो भैया, वेलकम टू बॉर्डर विलेज त्यापसी, पाकिस्तान द एज ऑफ इंडिया, इंडिया का आखिरी छोर में आपका स्वागत है। तो भाई, जो ये सामने रास्ता जा रहा है ये जा रहा है थांग के लिए, और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये त्यापसी के लिए। तो त्यापसी कैसे जाएंगे? लोकल्स बोल रहे हैं कि जो त्यापसी का रास्ता है ना, ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, कैसा सा रास्ता है। ओह माय गॉड, शायद बाइक तो निकल ही जाए, क्या पता, यहाँ पर रुकना मना है। भाई साहब ऊपर देख रहे हो क्या, किसी जगह है, निकल जाएगी बाइक। हाँ हटा लो, पहले हटा लो, आप थोड़ा पीछे करो, ये पत्थर आपके पास आ रहा है। भाई साहब ये ना लैंडस्लाइड हुआ होगा, लैंडस्लाइड हुआ है, ये पूरा जोन ऐसी है, पूरा लैंडस्लाइड जोन है, कभी भी कुछ भी आ जाए ना, ऊपर से कुछ पता नहीं है। तो ये त्यापसी का रास्ता बनता है तो गांव वाले हटा रहे हैं सारे मिलके। ये हटाओ ना ये पत्थर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो निकल गया रास्ता, आप तो ऊपर आपका कैफे है ना, हम लास्ट टाइम आए थे लास्ट ईयर। अच्छा जी, चलो ठीक है, वेलकम। हम लास्ट साल आए थे, हमने कहा था दोबारा जरूर आएंगे। भाई साहब को बता भी है कि नैनीताल वाले हैं करके। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये इंडिया की लास्ट सड़क है, यहाँ से आगे इंडिया में सड़क ही नहीं है, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। अरे जो सामने वाला पहाड़ी आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा पाकिस्तान है, और बाकी पाकिस्तान थोड़ा करीब से हम आपको कल दिखाएंगे थांग गांव से। त्यापसी में हमारा वेलकम खुमानी के साथ में, यहाँ पे खुमानी बहुत होती है आपको। वो देखो एक पेड़ वो लग रहा, एक पेड़ ये हमारा लौंडा गया हुआ तोड़ने के लिए, बहुत खुमानी है इधर, खुमानी खा खा के तो आप तुम्हारा पेट भर जाएगा इधर। थैंक यू खुमानी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, उठा लेना। चलो भैया घुमाते हैं आपको त्यापसी गांव। लेकिन जब हम लोग आए थे ना, ऐसा लग रहा था कि भाई सुनसान सा है, कोई इस बार आ नहीं रहा, क्रेज खत्म हो गया त्यापसी का, लेकिन अब देखो भीड़ लग गई है। ठीक है, तो ये लोग जब तक आके गांव में हल्ला गुल्ला करते हैं, हम लोग पहले पहुंच के हल्ला गुल्ला कर देते हैं। वैसे लोग तो नीचे कह रहे थे ना कि त्यापसी में ना होम स्टे वगैरह नहीं है, तो हम अभी अपना सामान वगैरह लेके नहीं आए, हमने सामान वगैरह अपना नीचे छोड़ा हुआ है, तो अभी ऊपर पता करने के लिए हैं, थोड़ा सा टहलने के लिए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई होमस्टे वगैरह होटल वगैरह होता है ना, तब अपना सामान लेके हम ऊपर आएंगे। ये गांव ना कभी पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में ना ये गांव गवा बैठा और ये इंडिया में शामिल हो गया। ये भैया पीने का पानी है, प्योर पानी है,
आप इसी से पीते हो आप लोग भी? हम यही पीते हैं सर, ये ग्लेशियर का पानी है सर, ये नेचुरली पानी है, ग्लेशियर से आ रहा है पानी। और ये पूरे गांव में ऐसे जाता है ना? ऐसे जाता है। और ये एक टैंक है सर, यहाँ पैक नहीं करते, तो इस वजह से प्लास्टिक व्लास्टिक लोग कूड़ा भी डाल देते हैं इसमें ना, ये कभी बच्चा है ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजफ अली सर। नजफ अली, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू सर। आप जब यहाँ ना, जब ये पाकिस्तान का गांव होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई आता नहीं है टैक्सी में, क्योंकि ना जब लास्ट टाइम हम आए थे तो थांग में एंट्री नहीं थी, टैक्सी में एंट्री थी, लेकिन अब टैक्सी में ना हमें कोई एक सिंगल बंदा नहीं दिखा। लेकिन बस जब हम आए ना, और यहाँ के लोग भी, अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि टूरिज्म को लेकर सीरियस है, क्योंकि पहले जब हम लास्ट टाइम आए थे तो लोग काफ़ी अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, काफ़ी लोग भी दिख रहे थे, काफ़ी लोग भी थे गाँव में, लेकिन इस टाइम अब कोई नहीं है गाँव में। देखो यार, आज तो हम आपको पाकिस्तान नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कल हम लोग ना आपको लेके जाएंगे थांग गांव में। थांग गांव ना वो चोटी, वो जैसा कर्व है ना, कर्व के थोड़ा उस तरफ है, तो 9 से 5 एंट्री होती है। आज तो हम लोग 5:30 के करीब पहुंचे थे, तो हम अंदर नहीं जा पाए, कल हम आपको लेके जाएंगे। और वहां से ना पाकिस्तान बहुत पास दिखता है, और उस गांव की ना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब उस गाँव के जो लोग हैं ना, कई लोग अभी भी पाकिस्तान में हैं, कई लोग इंडिया में हैं, वो स्टोरी मैं आपको कल ही बताऊंगा, तो ही मजा आएगा। देखो ना सर, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो सिविलियन भी बढ़िया है और फौज भी बढ़िया है। अगर सिविलियन थोड़ा गलत हरकत करेगा तो फौज भी गलत करेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल सब सब भाई भाई जैसा है, तो यहाँ पे फौजी के साथ हम कंधे से कंधे मिला के चलता है। पहाड़ के ऊपर ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर वो लाल मिट्टी जैसा है, लाल मिट्टी जैसा ऊपर, हाँ उधर जो है अपना इंडिया का पोस्ट है, कैमल पोस्ट बोलता है, उससे आधा घंटे का रास्ता है नीचे, उधर पीछे जाके उधर जो है जोगी बोलता है। हमारा हम जो है फौज का सेवा जो है, यहाँ रास्ते रास्ते जो है हम गधे के ऊपर लोड चढ़ा के जाता है, पानी राशन सब कुछ सेवा हम करता है। 99 के जैसे लड़ाई में इतना गोला जीता, इतना गोला जीता, फिर भी हमने रात को बिल्कुल सीना तान के फौज का सेवा। अच्छा, बिल्कुल मैं उस टाइम मैं खुद चला था यहाँ से, ऊपर से शेलिंग आता था, गोला गिरता था, सामने लगता था पाकिस्तान के सर से आता था, हम ऊपर फौज को राशन पहुँचा के रात को 2 बजे वापस। सेवा गिने हुए ना बिल्कुल टाइम निकल जाएगा बहुत। जो ये स्कूल जो है पाकिस्तान का है, बिल्डिंग जो है पाकिस्तान बनाया था, इसमें जो है पढ़ाई शढ़ाई अपना इंडियन ने किया है। अभी तो फिलहाल बंद है सर, क्योंकि अभी रहता है इसमें, अभी ये स्कूल अपग्रेड हो गया ना, अभी हायर सेकेंडरी बन गया ये वाला, तो ये नीचे गया, इसका बिल्डिंग बड़ा हो गया, आर्मी वाले जो पाकिस्तान तो नहीं गया। अभी रास्ते तो मैं तो बहुत बार गया, उधर अपना कैंप है ना फौजी, ऊपर से तो सामने दिखता है, ऊपर जब हम जाते हैं ना थोड़ा आगे जाएगा तो ऊपर से पत्थर मारता है हमको। कौन मारता पत्थर? पाकिस्तान। अभी मारता है? अभी मारते ना, नजदीक ऊपर से कैसे मार देता है? अरे ये तो छोड़ ना भाई, इससे आगे जाके बिल्कुल नजदीक में है। हाँ, यहाँ से नीचे को इसी पहाड़ पे? हाँ, इसी पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान है। हाँ, ऊपर से तो वहाँ से दिखता है पाकिस्तान साफ? बिल्कुल सामने, लोग तो थोड़ा कम दिखते हैं, गाँव दिखता है। अरे क्या है सर, ये हमारे यहाँ 6 महीने ऊपर 6 महीने नीचे इसलिए बैठते हैं, सर्दी में हमारे यहाँ बर्फ पड़ता है, तो हम 6 महीने फिर गर्मी में इधर आ जाता है, उधर ज्यादा गर्मी हो जाता है। जब 1971 में जब वॉर हुआ था, तो इंडियन आर्मी ने ये 2-4 गांव है यहाँ पे, एक ये वाला एक टैक्सी है, ठीक है, एक तुरतुक था जो पीछे रह गया, ये पहाड़ी के पीछे थांग गांव है, एक गांव है, तो ये चारों गांव पहले इंडिया, पहले पाकिस्तान के पास थे, लेकिन जब इंडिया ने 1971 वॉर में हमला किया था, तो इंडिया ने अपने पास ये कर लिए थे गाँव। 1991 में मतलब 20 साल बाद दोबारा वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जब 20 साल बाद दोबारा वॉर हुआ था ना, तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इंडियन आर्मी का पूरा सपोर्ट किया था, मतलब कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया था, जो क्योंकि जो ऊपर चौकी है ना वहाँ तक इंडियन आर्मी अपना जो राशन है, जो सामान है, वो खुद लेके नहीं जाते थे, जो यहाँ के लोकल थे ना वो गधे में खच्चर में इंडियन आर्मी के लिए सामान लेके जाते थे ऊपर। अच्छा, आप मेरे पीछे देखोगे ना, इस तरफ पहाड़ी पे, इस तरफ हमारी इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी चौकी है, मतलब ये जो चोटी है ना, चोटी के उस तरफ भी चौकी है, और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो ऐसे रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से थोड़ा सा ऊपर जाके 100 मीटर 400 मीटर ऊपर जाके एक पॉइंट है, चौकी है इंडियन आर्मी की, उसको कैमल पॉइंट बोलते हैं, इंडियन आर्मी की हमारी चौकी है, और उसी चौकी से थोड़ा सा 400 मीटर नीचे जाएंगे, मतलब पाकिस्तान की तरफ को तो एक नीचे चौकी है, उसको जोगी चौकी बोलते हैं। और एक लोकल भाई हमें यहाँ पे बता रहे थे, अभी एक भाई हमको मिले थे, वो बता रहे थे कि भाई वहाँ से ना पाकिस्तान इतना पास है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना, पाकिस्तान वाले पत्थर मारने लगते हैं वहाँ से, मतलब ये रहेंगे तो पत्थरबाजी हमेशा। चलो, क्या नाम है, नाम बताओ पहले। इसको देखियो, इतनी बेटा 3 हाथ में ले लो सारी ले लो। हेलो तो कर दो ऐसे एक बार। ये तो बोल ही नहीं रही है इसमें ना, जब मैं आपको दूंगा हेलो करना, ठीक है? थैंक यू। एक ही चीज ले लो। क्या बोला?
बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ गाँव के, जिन्होंने हमको एक प्यारा सा गाना सुनाया। अब इनको सबको एक एक सेंटर फुट मिलेगी, ठीक है? ठीक है भैया। एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, तुम्हारा, एक तुम्हारा। तुमने गाना तो सुनाया नहीं। मैं 1 2 3 गाऊंगा। हैं? आदिफा, तुमने गाना तो सुनाया नहीं। नू मता नहीं। आप लोग तो गांव के होंगे, तो आप लोग क्या मतलब जॉब वगैरह करते हो कि खेती बाड़ी? यहाँ पे यहाँ तो खेती बाड़ी करता है, जॉब भी करता है सब लोग। आप खेती बाड़ी टू इन वन आप कहाँ करते हैं? यहाँ टीचर हूँ। टीचर? गवर्नमेंट टीचर है। यहाँ पे स्कूल किधर है? यहाँ दो प्राइमरी स्कूल है, एक स्कूल यहाँ है, एक नीचे है। अच्छा, और जो वो ऊपर है वो बंद है? यहाँ वो पंजाबी कॉलेज। अच्छा, वो स्कूल अभी नीचे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पहले हाई स्कूल था, अभी हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन हो गया, तो वहाँ नीचे है हायर सेकेंडरी और एक आर्मी स्कूल है। बढ़िया। इधर बर्फ भी पड़ती है गाँव में? बर्फ पड़ता है। अच्छा, चादर ट्रैक इधर ही है क्या? नहीं, चादर ट्रैक है नहीं। वो किधर है? वो तो जंस्कार में। अच्छा, वो जंस्कार में। यहाँ पे एक वो भी होता है ना, फेस्टिवल होता है ना इधर गांव में कोई? फेस्टिवल तो दो तीन होता है यहाँ। कौन सा यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? यहाँ तो 21 मार्च को होता है फेस्टिवल। 21 मार्च? 21 मार्च को। कौन सा फेस्टिवल? 21 मार्च को हमारा ये है कि हमारा नया साल है, 21 मार्च को न्यू ईयर होता है। 21 मार्च को हमारा। अच्छा, उसको बोलते क्या है फेस्टिवल को? न्यू नया साल ही बोलते हैं। नारोस। नारोस। न्यू ईयर नारोज हो गया। बहुत बढ़िया। चलो कभी मौका लगेगा तो न्यू ईयर वाले टाइम पे आएंगे त्यागसी में, सेलिब्रेशन होता होगा यहाँ पे। बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। चलो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब नाम तो बताओ अपना, क्या कहना है तुम्हारा? इधर आओ, इधर आओ, इधर तो आओ, बात करो, क्या नाम है तुम्हारा? आतिम माजिद। और आपका? रोहान अब्बास। क्या बात है। चलो यार, वैसे ना, हाँ मेरा नाम, मेरा नाम विकास है। हाँ तुम्हें एक दिया है तो दो चाहिए, ये लो। चलो आज रुके हुए एक कैंप साइड में, त्यागसी हिडन पैराडाइज। कैसी है, क्या है, दिखाता हूँ, प्राइस वगैरह सब बताऊंगा। तो चलो भाई आपको अपना टेंट दिखाते हैं कि जिस टेंट में आज हम लोग रहने वाले ना, वो टेंट अंदर से दिखता कैसे है। ऐसा कुछ ये ना टेंट दिखता है और देखने में फील आ रहा है ना। ये हमारा रूम है और ये बाकी, ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफी नीट एंड क्लीन है, ठीक है। यहाँ पे आओगे ना तो 3000 में आपको रूम मिलेगा। बाकी आप लोग बात करके उस हिसाब से रूम वगैरह कम भी करवा सकते हो। तो भाई 1-1.5 घंटे से ना हम लोग बस बात ही कर रहे हैं, क्योंकि काफी मजा आ रहा है। यहाँ के जो लोकल्स है ना, ये जो प्रॉपर्टी के ओनर्स है, तो उनके साथ बात करिए भैया हमारे। वैसे नाम आपका? अजीज खान। अजीज खान जी। और ये भैया हमारे यहाँ पे। हेलो भैया, कैसे हो आप? क्या नाम आपका? अरुण अली सर। अरुण अली जी, जी। तो ये भाई जी कारगिल के हैं, तो आपके कारगिल भी हम बहुत जल्द आएंगे, है ना। और आप तो यहीं के होंगे, इसी गाँव के? ये भाई नीचे जो बोलते ना इंडिया का लास्ट गाँव, पंचतांग। पंचतांग तो वो थांग और शायद त्यागसी के बीच में पड़ता है ना। कल का हम प्लान कर रहे हैं, कल हमको ये वाले भैया ना सामने, इनकी शक्ल देख लो, कल के वीडियो में आपको ये भैया दिखने वाले हैं। और ये भैया कल हमको घुमाएंगे थांग गांव, और काफी लोकल से आप मिलवाओगे हमें? जानते होंगे आप थांग में लोगों को, है ना। तो आपने हमको कल लोगों से मिलवाना है थांग के। आज खाने में क्या बन रहा है, कुछ ट्रेडिशनल बन रहा है कि मॉर्निंग में हम खिला देंगे? मॉर्निंग में ट्रेडिशनल, ठीक है भैया। कल सुबह आपको दिखाएंगे कल्चरल की, यहाँ का कल्चरल फूड क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बल्टिस्तान का किसिर बोलते हैं उसको। भैया लोग, भैया लोगों का ना गांव मतलब पाकिस्तान से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। फ्लैग देखेगा। अच्छा, तो उनका जो पार्टीशन हुआ था वो तो आपके आपसे भी पहले हो गया होगा ना, आपके बर्थ से पहले 1971 में। अच्छा, आप लोगों के रिलेटिव्स हैं उस तरफ? मेरे बड़े पापा लोग उधर ही हैं। बड़े पापा बोले थे ताऊ जी, पापा के बड़े भाई, वो पाकिस्तान साइड में उधर। सर एक एक्समैन गोबा है, गोबाली नाम का, उनका पिताजी और माँ दोनों उधर ही है। अच्छा, वहाँ से देखता है गांव, उसी गांव में पाकिस्तान में। अच्छा, वो खुद इधर ही है, उससे भी मिलवा देंगे। तो चलो भाई खाना वाला लग गया, खाना खा लेते हैं। सब्जी और रोटियां, चावल है और मिक्स वेज और दाल। तो जब ये खाना स्टार्ट करते हो, मैं खाना दिखा देता हूँ कि हमको आज क्या क्या हम खाने में है। चावल है और मिक्स वेज और दाल।
खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है, खाने की खुशबू सुन के मेरी भूख बढ़ गई है यार। खाना खाते जवाब है तो ना, खाना खाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि खाना खाते खाते ना ब्लॉक तो होगा नहीं मेरे से। तो भाई लोग खाना पीना हो गया, और खाना क्या औसम बनाया हुआ था, मजा आ गया, काफी टेस्टी खाना था। और भाई लोगों ने यहाँ पे लगाया तो बॉन फायर हुआ है, लेकिन अब बारिश आने लग गई है तो ये बॉन फायर तो बुझ ही जाएगा। तो म्यूजिक व्यूजिक का मैं इंतजाम किया था, और भैया जी हमारे लिए ना एप्रिकॉट भी लेके आए थे, ये यहाँ पे बहुत होता है। हाँ बस अब चले गए सर। माहौल तो बढ़िया बनाया था भैया ने, लेकिन बारिश हो गई यार, बहुत तेज बारिश हो रही है ना, ये रुकेगी भैया ने तो बड़ा माहौल बनाया था, बढ़िया सा बॉन फायर वगैरह लगाया था, हमने सोचा था यार थोड़ा गपशप मारेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, लेकिन बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया, बारिश बहुत तेज आ गई है, लग नहीं रहा कि रुकेगी। तो चलो यार इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग के साथ में, तब तक के ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक फिटनेस। बाय बाय। वीडियो खत्म हो गई और बड़ी प्यारी वीडियो थी, और जो माहौल था पहाड़ी इलाके भाई खूबसूरत। अच्छा एक बात नोट की भाई, वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, उनका रवैया, उनका बोलने का स्टाइल मतलब बहुत ही अच्छा था, कूल सुनजे, वो कितनी रिस्पेक्ट से वो एक दूसरे से बात करते थे, और भाई साहब का भी जो नेचर थी वो बहुत ही प्यारी लगी भाई जी। और ऐसी नेचर जो थी भाई दिल को छू लेती है। और इसके जो वीडियो है भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को ज़रूर विजिट करें, बड़ा प्यारा व्लॉग बनाया भाई साहब ने। और उनका जो बच्चों के साथ सलूक लाना भाई वो तो काबिले तारीफ है भाई, बच्चे भी वैसे भी बड़े क्यूट थे, प्यारे थे बच्चे सारे। और एक कश्मीरी ये जो मतलब पहाड़ी इलाके के जो बच्चे होते हैं वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं, और ऐसे बच्चे जो शहर से बहुत दूर रहते हों उनके लिए बाज़ अवकात ऐसी जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की वो बड़ी माने रखती हैं, क्योंकि वो बेचारे वो चीज ऐसी मुश्किल होती है, उनके पहुंच नहीं पाती। हो सकता है वहाँ आसपास दुकानें होंगी, दुकानें भी होंगी, ऐसा नहीं दुकानें नहीं होंगी, लेकिन एक बंदा जो गिफ्ट के तौर पर देता है ना वो अलग ही मजा आता है। और कुछ को तो भाई साहब ने तीन तीन चार चार टॉफियां दी, और एक कईयों को तो एक एक कुछ लोगों ने ऊपर से बाय बाय भी नहीं बोला। बाय भी नहीं बोला। अच्छा ये गाँव भी पाकिस्तान के थे, और चार गांव पंगे देख लो लेते लेते, वो भी गांव थी पांच चार गांव, चार गांव ये तो चार गांव है भाई साहब। ये लाहौर के नजदीक का एरिया है ना वो पंजाब का, और उसमें से भी काफी एरिया जो है वो गवाया है। अच्छा सियालकोट की तरफ मेरे ख्याल में वहां पर कुछ गवाया, कुछ असर भी तो किया। हाँ कुछ थोड़ा असर किया था, ज्यादा गवाया था भाई साहब। अगर आपको जरूर पता हो तो बताइएगा कि जब 1965 की जंग हुई थी और पाकिस्तान ने कितना हिस्सा कब्जाया था, और इंडिया ने कितना मतलब कब्जाया था, पाकिस्तान ना पाकिस्तान का कितना हिस्सा इंडिया ने कब्जाया था, और इंडिया का कितना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया, क्योंकि मुख्तलिफ एरियों में जंग हुई थी, और जहाँ पर भी किसी आर्मी की हैवी हो गई थी वहाँ पर भी उन्होंने अपने अपने अपनी जगह। और उस बंटवारे का जो है खमियाजा किसको भुगतना पड़ गया, आम वो अलग गांव में रहते हैं और बेटा जो है अलग गांव में रहता है, ये देख लो। अब भाई दुख तो लगता है कि बंदा अपने रिश्तेदारों से और वैसे ऐसे इलाकों में होना चाहिए कि बंदे चलो कम से कम उनके पास आईडी कार्ड हो और मिलने के लिए कम से कम उनको मिलने की तो इजाजत दे। ये तो भाई इंसानियत के वो मैं कहता हूँ खिलाफ है, दोनों कंट्री को आर्मी की निगरानी में मुलाकात हो जाए, या जैसे भी हो कोई ना कोई हल उनके लिए, या अगर खतरात है उधर से और दोनों तरफ से तो भी एक जगह बना दे, एक जगह बना दे वहाँ पर वो बैठ कर एक दूसरे के साथ दुख सुख बांट सके, बिल्कुल ठीक है मिल सके एक एरिया मुफ्त भाई, ज्यादा प्रॉब्लम है तो आर्मी उधर की भी और इधर की भी अपनी निगरानी में उनकी मुलाकातें करा दे। सही बात है, और लेकिन क्या क्या बताएं दोनों कंट्रियों की हुकूमत ही माशाल्लाह है भाई साहब, ये कभी एक होने नहीं देगा। सही बात है, इंडिया ने अलग हाथ करता है कि मैं कोशिश करता है कि मैं पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे कर लूं, लेकिन जो पीठ से बार के पीछे वार करना होता है ना वो पाकिस्तान ने किए हैं भाई।
बिल्कुल असल में मतलब हमारे जो बरूनी खुशहाल कठपुतली बने हुए हैं भाई साहब, जो हमारे बड़े हैं भाई, वो कठपुतली हैं, वो चार पैसे लेते हैं और वो कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ये ऐसे ही तभी तो ये हालत है भाई। अगर हम एक ही कुछ हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग एक कुछ हैं, बाकी वो अगर थोड़े से मामला चल रहे हैं बैठ के हल हो सकते थे, लेकिन जो ऊपर वाले चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हों, अमेरिका नहीं चाहेगा। अब एक दूसरे को काउंटर भी तो करना है ना, तो ये ऊपर वाली ताकतें भाई ये हमें इकट्ठा नहीं होने देंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान चलो पार्टीशन हो गई, अगर जंगे ना लड़ते अमन के साथ जिस तरह यूरोपियन कंट्री, आज हालात कुछ और होते और होते भाई, लोग भी देख ले लोग भाई पैदल आ जा रहे होते, एक दूसरे के से नफरत करते करते देख लो भाई क्या हालत होगी। इंडिया तो फिर ग्रो कर गया, पाकिस्तान पीछे चला, पाकिस्तान और बांग्लादेश और पीछे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल क्या खत्म टाटा बाबा हो। और भाई साहब जो हमारे बड़े हैं वो जो सियासतदान हैं, जो इदारे हैं, जो मजबूत इदारे हैं, उनकी वजह से आज हमारी ये हालत है जी। और हालांकि अवाम में यार देखा, अब देख मैं अपनी बात बताऊं तो भाई साहब आम लोग जो है ना वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान की जो ना इस तरह नफरत करें या कंट्री अपने जिस तरह के न्यूज वाले तोड़ मोड़ कर न्यूज तो दिखाते हैं, इंडिया के अंदर ये हो रहा है, वो बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर ये, इस तरह के गरगलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को बुरा बोलने पर, बुरा कहने पर, बुरा सोचने पर। हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहा हमारा मीडिया, वो अपने पैसे कमाते हैं और हमको इकट्ठा नहीं होने देते भाई। मीडिया बहुत खराबी करता है और तोड़ मोड़ कर इस तरह दिखाता है भाई साहब के बहुत ज्यादा ही गलत दिखा रहे हैं, जैसे कई सालों से या कई पीढ़ियों से इनकी दुश्मनी है। अब जो अब यही लोग अगर इंडियन और पाकिस्तानी बाहर के किसी कंट्री में मिल जाए, अब देख लो जो बनने जा रहा है ना, वो क्या नाम है, जो यूके में बनने जा रहा था मेरे ख्याल में इंडियन रीजन का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था, एक था। तो वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो पाकिस्तान से गए हुए थे, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने भाई अच्छा है हमारे रीजन का बंदा हो, तो वो इंग्लिश सारे जो थे ब्रिटिश, उन्होंने हमारे ऊपर कितने साल हुकूमत की, अब अगर बदला मिला बदला लेने का तो साथ तो देना बनता है ना भाई। और हाल में और ये अच्छा था भाई, ये जो तरीका था ना भाई मुझे बड़ा पसंद आया। एक दोस्त बता रहा था भाई, अब आप बता सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि वहाँ के जो यूके में थे पाकिस्तानी, उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं किया, पर या फिर वो ऐसे ही बातें बता रहे थे, अगर किया तो भाई मुझे खुशी है भाई, करेंगे भाई किसी अच्छा को क्यों सपोर्ट करेंगे, तो भाई अच्छा है, बड़े बड़े ऑफिशियल तक आसानी से रसाई हो जाएगी अगर वो बन जाए, आने जाने आसानी हो जाएगी, मतलब हर चीज में आसानी हो जाएगी, इस चिंते के लिए आसानियां पैदा हो जानी थी उधर तो ठीक है भाई। और इसमें जो छोटा सा स्कूल दिखाया गया वो जी पहले पाकिस्तान दौर का था, और अब जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। पानी तारक भाई देखा है पानी? हाँ बोला था ना पीते हैं लोग पानी, तो पीने में वो पानी बर्फ का ही होता है, वो आपके फिल्टर से बेहतर हो गया भाई, कुदरती पानी है पहाड़ों से आ रहा है बगैर किसी किस्म की मिलावट के। सही बात, तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को जरूर विजिट करें भाई साहब के भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई साहब बताइएगा जरूर क्या पाकिस्तान, लेकिन आप कुछ लोग भाई बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए नहीं, तो भाई हम तो चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल और ये जो इतनी जाने जा चुके हैं ना, अब ये मजीद जाने ना जाए, तो ठीक है भाई मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।